ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपको और आपके सहपरिवार को होली की बहुत बहुत बधाई, और आपके जो भी काम रुके हैं इस होली में आपके सारे काम बने, कोई भी ऐसी समस्या ना रहे जो आपको जीवन में आगे चल के परेशान करे। आप सभी जानते हैं कि होली की रात अपने आप में विशेष होती है, बहुत सारी तंत्र क्रिया प्रयोग इसमें किए जाते हैं, और आज भी मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा सरल हैं और आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर पूछिए। आने वाली 1 तारीख को होलिका का दहन है, तो इसमें क्या करना है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद आपको बाकी की चीज़ें क्रमवद बताऊँगा, उसी प्रकार से कीजिए। यदि आप होलिका दहन में कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए या अपने खुद के जीवन के लिए, तो उसमें आप एक काम करिएगा, होलिका दहन होने के बाद जो उसमें राख बच जाती है उस राख को आपको अपने पास रखना है, एक नीले कपड़े में बांध के, छोटी सी पुड़िया में बांध के उसे आप मंदिर में रख सकते हैं, या फिर एक लाल कपड़े में बांध के उसे मंदिर में रखिए, और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं इसके अंदर। और अगर आपको बीमारी है या किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप उसे तावीज़ के तौर पर अपने हाथ पे भी बांध सकते हैं, और इसमें कहीं पर कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बाहर से कुछ ख़रीदना है, सिर्फ आपको थोड़ी सी राख लेनी है। जब होली का दहन हो जाए उसके बाद उस राख को अपने पास रखिए। आप उस राख को, जब जो भी इंसान अपने पास उस राख को रखेगा उसका बुरा नहीं होता, आप उसका टीका भी लगा सकते हैं, प्रतिदिन उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक चुटकी राख पानी में डाल के वो पानी भी पी सकते हैं, उससे आपके अंदर की जितनी भी गंदगी होगी, जितने भी द्वेष होंगे वह सब दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, होलिका दहन में अपने और अपने साथी की फ़ोटो, आटे के साथ गीला आटा लेना है और दोनों की फ़ोटो को आमने सामने की तरफ रख के चिपका देना है। उदाहरण के तौर पे एक फ़ोटो के ऊपर आपको आटा चिपकाना है जो कि गीला हो, और दूसरी फ़ोटो को उसके ऊपर चिपका दीजिए, दोनों के चेहरे आमने सामने हों, और उसको ऊपर से मोली के धागे से, कुछ लोग रोली भी कहते हैं, उस धागे से बांध के होलिका दहन में चुपके से जला दीजिए। इसका असर क्या होगा ये आप देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते कोई उसको देखे ना और कोई आपसे उसके बारे में पूछे ना। ये 2 उपाय इतने असरदार हैं, अगर इसको कोई भी करता है तो उसको अत्यंत प्रभावशाली असर मिलता ही मिलता है। लोग तो ना जाने किस प्रकार की वीडियोस बना देते हैं, समझ में भी नहीं आता फिर भी लोग करने पे आतुर होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, और अब मैं रंग वाली होली की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहें, या किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं, या किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इत्र लेना है। परफ्यूम नहीं चलेगा, डीओ नहीं चलेगी, सिर्फ इत्र होना चाहिए, और इत्र को अपने ऊपर से, इत्र की जो बोतल होती है उसको अपने ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ 7 बार घुमाइए, और उसके बाद अपने हाथ में लाल रंग लीजिए, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, और उस लाल रंग में इत्र को थोड़ा सा मिला दीजिए, और उसके बाद जिसको भी आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके माथे पे भृगुटी के आसपास लगाइए। भृगुटी वह जगह होती है जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है या टीका लगाया जाता है, उस जगह पे आपको वह इत्र लगाना है, और उसके बाद आपको असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक छोटा सा उपाय एक और बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप सब लोग दुर्लभ सामग्री को सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय और बता रहा हूँ जो बहुत ही
सरल है और आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदार होगा, लेकिन इसको सही तरीके से और सही समय पर करना है। इसको करने का समय 5 से 6 बजे के बीच में है, शाम को। इसमें क्या करना है आपको, जो आपने होली में रंग लगाए हों, लाल रंग को अपने उस व्यक्ति पे लगा दीजिए थोड़ा सा, जिसको आप चाहते हैं कि वह आपकी ज़िंदगी से कभी दूर ना जाए, उसके चेहरे पे लगाना है और वो रंग ही वापस आपको थोड़ा सा उसमें मिला देना है। जैसे आपने थोड़ा सा अपने हाथ में लिया, अपने साथी को लगा दिया और थोड़ा सा अपने हाथ में बचा के रखा, वही रंग वापस आपने अपने जो आपके पास रंग है उसमें मिला दिया। याद रखिए, लाल रंग ही चाहिए और लाल रंग में ही मिलाना है। उसके बाद आपको अपने साथी की एक तस्वीर लेनी है, जो कि किसी भी तरह से फटी हुई ना हो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो, और उसके ऊपर आपको पान के पत्ते से थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रंग डालना है और मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम कामदेवाय, व्यक्ति का नाम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 28 बार ये मंत्र बोलते हुए पान के पत्ते से रंग डालना है और यह जाप करना है। ये बहुत असरदार है और इसको जो भी करता है उसको रिजल्ट आ जाते हैं। यदि द्वेष की भावना होगी, मन में किसी तरह का गलतपन होगा, तो यह काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि इस होली के दिन जब होली है, तो आप अपने आप को इतना खुश रखिए, इतने ज़्यादा प्रभु में लीन हो जाइए और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अक्सर होता यह है कि इंसान प्यार का भूखा होता है और वह व्यक्तिगत प्यार मांगता है, इंसान से ही प्यार मांगता है, तो जो खुद प्यार का भूखा है वो आपको प्यार क्या देगा। इसीलिए कहते हैं, जिसने परमात्मा को छोड़ के कहीं और दिल लगाए तो अंत में पछताना पड़ता है। और अभी मैं आपको सुनाता हूँ एक और सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिनको हमारी सक्सेस स्टोरी सुन के मोटिवेशन मिलती है, जो लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टोरी है। सुनिए इनके काम बने और इन्हीं की ज़ुबानी, और सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आप अपना नाम बताइए। मैं मधु बोल रही हूँ। अच्छा मधु जी, क्या काम बन गया ये बताइए। उसका मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था 9th क्लास में। ओके। तो कहीं भी नहीं हो पा रहा था, वो हम लखनऊ से आए थे तो उन्होंने मना कर दिया था। लास्ट उसमें आए थे हम सितंबर में। जी जी। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तो उन्होंने, मैंने उसको बताया, मैंने कैसे ऐसे ताला लगाओ, और मैंने उसने लगाया, तो उसके 10-15 दिन बाद ही 9th क्लास में उसका एडमिशन हो गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और एक और हुआ मेरा काम इस ताले से ही। जी जी। मैं, मेरी सिस्टर है, उसका ना डिवोर्स हो गया था। ओके। तो एक बेटा भी है उसका, तो 9 साल हो गए वो परेशान चल रहे थे ऐसे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कैसे ताला लगाओ और शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। तो जैसे ही लगाया उसके 10, 1 महीने बाद उसका रिश्ता तय हो गया। क्या बात। और शादी भी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी इसके लिए ताला लगाया था। अच्छा। मैंने कहा जल्द जल्द सब इसका सॉल्व हो जाए मैटर, जो भी है, डिवोर्स भी हो गया और शादी भी हो गई उसकी। क्या बात है। तो मतलब आपको तो यकीन हो गया ना। हाँ, मुझे यकीन था स्टार्टिंग से, जब वीडियोस देखती थी तो मैं सोचती थी हाँ भी करूंगी। बस फिर मैंने ताले वाला करा पहले तो। अच्छा अच्छा, कितने दिन में रिजल्ट आ गया और कैसे किया ये बताइए। ऐसे कि अब जैसे आपकी वीडियोस देखी मैंने, फिर मैंने लॉक तो लेके नहीं आई, मैं घर पे, जो लॉक आपने बोला था ना कि घर पे जो पड़े रहते हैं लॉक, तो वही पुराना वाला लॉक लिया मैंने और विंडो पे लगाया। और जो सिस्टर की मैरिज थी उसके 1 महीने बाद ही उसका रिजल्ट आया, लड़का हमें मिला, काफी बातचीत हुई। देखो, अदर कास्ट में मिला लड़का और उसकी शादी भी हो गई, सब कुछ सही हो गया एकदम से। अच्छा। अब घर वाले भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा बहुत टेंशन में थे। अच्छा अच्छा, ताला कहाँ पे लगाया था आपने। हमने विंडो है, जो खिड़की है ना, कमरे की खिड़की, तो उसमें ताले पे लगा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने भी लगाया था और मैंने भी, मैंने कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन में रिजल्ट आ गया था आपको। 1 महीने बाद आ गया था रिजल्ट। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखो, आपके काम बन गए, सबसे बड़ी बात होती है आपके काम बनने चाहिए। हाँ जी। और ये, और मैं आपके उपाय करती रहती, जैसे आपने बोला था कि
बादल गरजते हैं तब अपनी जी विश बहुत मांग अच्छा लेनी लगता है चाहिए। उसको। वो भी हाँ वो भी मैं करती ये हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव है, मतलब 4 डिजिट की कोई भी संख्या दिखे ना तो हाँ उसे जी देखते ही साथ विश मांग लो, बादल या बिजली गरजे, हाँ जी बारिश के बाद धूप आ जाए या किसी से नजरे में हाँ नींद टूट जाए हाँ वो तो मैं और सबको बताती रहती हूँ। मेरी फ्रेंड है उसको भी बताया मैंने कहा ऐसे जी ऐसे। जी 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 हाँ मेरी फ्रेंड है वो हरिद्वार में रहती है जी ठीक है, उसको वो भी काफी परेशान थी तो मैंने अच्छा उसको बताया। मैंने कहा उसके हस्बैंड की ना जॉब वॉब का कहीं नहीं हो पा रहा था जी तो उसने मैंने उसको बताया यही ताले वाला बताया तो उसने भी लगाया तो उसके हस्बैंड के ना जॉब भी लग गई। क्या बात है, तो बहुत वो अच्छी बहुत बात खुश है, है। हाँ बहुत बहुत अच्छी खुश बात है है। वो। अच्छा क्या कहना चाहोगे दुनिया वालों को जो वीडियो देखते हैं और जिनको लगता है कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, उनको क्या कहना चाहोगे? कुछ तो मैंने आपके मैसेज देखा कि कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है कि हाँ भैया भरोसा नहीं करना चाहिए जी है। जी 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 देखो अपना ना मन का विश्वास होता है, बिल्कुल एक भरोसा बिल्कुल होता है जी कि हम जब तक हम किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे वो कैसे पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हाँ जहाँ भरोसा होता है वहीं काम बनते हैं, विश्वास नहीं होता हाँ ना इसलिए हाँ काम नहीं एक बनते लोगों के। तो हाँ भरोसा होना चाहिए वही सब चलो काम पूरे करेंगे। ये बात तो है, मतलब जो विश्वास के साथ काम करता है उसका काम जरूर बनता है, और बहुत लोगों के काम बनते हैं। कुछ तो ऐसे हैं हाँ जो जी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते, फोन ही नहीं उठा पाता उनका मैं, हाँ एक बार में तो हाँ एक बार में तो फोन मैं ही नहीं लगता, और आई इतने लोगों से बात करनी पड़ती है इसलिए फोन नहीं लग पाता, लोग सोचते हैं कि जानबूझ के नहीं उठाता। हाँ हाँ अभी आप नहीं मैंने कई बार जी ट्राई भी करा आपका जी फोन लग नहीं पा रहा था कई बार मैंने सोचा हाँ नहीं। वही तो, क्योंकि बहुत फोन आते हैं ना, अब लोगों के काम बनते हैं, उनमें से किस्मत वाले ही हैं जो मतलब आपकी बात हो रही है। हाँ और सबसे जी अच्छा तो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों के काम बन जाते हैं, और ऐसे सबके काम बनते हैं, जो भी मतलब दिल से करता है ना उसका काम जरूर बनता है। ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रखते ना लोग, हाँ उनके लोग थोड़ी बनेंगे जो हाँ कुछ आपके बारे में कुछ गलत मैसेज दे देते हैं कि अभी हर ऐसा तरह नहीं के है लोग होते इनको हैं ये दुनिया कर। में, हर तरह के लोग होते हैं। और मैंने जो मांगा मेरा तो हुआ पूरा और मैंने अपने दोस्तों को भी अपने फ्रेंड्स को भी सिस्टर को तक को बोला सबके हो रहे हैं काम पूरे। बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे, आप बस देखते रहिए और जितना जी हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको मदद की ज़रूरत है। हाँ ये वो तो मैं करती रहती हूँ डेली आपकी वीडियोस देखती हूँ और हाँ शेयर करती रहती हूँ हर जी, मुझे जगह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत और अच्छा भगवान करे आपके सारे काम बने, जितने भी रुकावटें हों सब दूर हो जाएं। ठीक है लगा। ठीक है नमस्कार ठीक है जी, दीदी। प्रणाम। देखा किस तरह से लोगों के काम बन जाते हैं और कितने खुश हो जाते हैं लोग, और बहुत जल्दी आपके काम बनेंगे। सबसे पहला काम, दिन में कम से कम एक बार उस ऊपर वाले को ज़रूर याद करिए जिसने आपको ये जीवन प्रदान किया है। हम दिनचर्या के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उसे भूल जाते हैं जिसने हमारे लिए, हमें ये दुनिया दी, ये शरीर दिया, ये चैतन्य प्राण दिए, तो उसे एक बार अवश्य याद करें। सोते उठते बैठते जागते कभी भी कहीं भी आप उसे याद कर सकते हैं। याद रखिए जब उसकी तरफ कनेक्शन बनने लगेगा तो बाकी के कनेक्शन अपने आप कट जाएंगे, जितने भी बुरे कनेक्शन हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, वो आपसे अपने आप दूर होने लगेंगे। एक बार करके देखिए, शुरुआत में थोड़ी समस्या आएगी लेकिन उसके बाद अंधेरे के बादल छट जाते हैं। और मैं जानता हूँ सबकी रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत लोगों की संख्या हो चुकी है अब जो मैसेज और कॉल करते हैं, तो सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि आप हमें ईमेल करें। और जिनकी काम बन जाते हैं, जिनके काम बनने के बाद हमें फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन नहीं उठा पाते, तो वो हमें ईमेल करके अपनी स्टोरी बता सकते हैं या ईमेल में रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, बहुत सारे लोग भेजते हैं, बाकी की पेंडिंग है वो भी आपको हम धीरे धीरे करके सुनाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा जाते जाते कि दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, चिड़िया भर ले गई चोंच, नदी को न घटियो नीर, दान दिए दान ना घटे कह गए संत कबीर। दान देने से कभी दान नहीं घटता, यह आपको सोच लेना चाहिए, अपने हृदय में समा लेनी चाहिए इस बात को। जितना आप दान करेंगे उससे दुगना आपको मिलेगा। और दान करते वक्त एहसान की फीलिंग मत रखिए, एहसान मत जताइए, दान कर दिया भूल जाइए, ऐसा रखिए और जीवन में देखिए कितने परिवर्तन आते हैं। अगर कोई बात रह गई हो पूछना तो ईमेल करिए, कमेंट सेक्शन में आइए और आप मुझसे बात कर सकते हैं।
और आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत मुबारक।